आगरा लोकसभा की विधानसभा एतमादपुर के आरबी गार्डन में युवा मोर्चा लोकसभा चुनाव संबंधी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मथुरा से आए पवन हिंडौल सिंह ने कार्यकर्ताओं को 40 दिनों तक लोकसभा चुनाव में जुट जाने के निर्देश दिए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ पदाधिकारियों का फूलमाला और साफा पहनाकर आगरा लोकसभा की विधानसभा एतमादपुर के आरबी गार्डन में युवा मोर्चा लोकसभा चुनाव संबंधी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मथुरा से आए पवन हिंडौल ने कार्यकर्ताओं को 40 दिन लोकसभा चुनाव में जुट जाने का निर्देश दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ पदाधिकारियों का फूलमाला और साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान भाजपा नेता लज्जा राम बघेल को भारतीय जनता युवा मोर्चा में जिला मंत्री घोषित किया गया। आज एतमादपुर विधानसभा की बैठक भारतीय जनता युवा मोर्चा की बैठक हुई है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय प्रांशु दत्त द्विवेदी जी और आगरा लोकसभा के प्रवासी के रूप में पधारे प्रदेश के मंत्री आदरणीय पवन हिंडौल जी के नेतृत्व में आज इस बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में तय हुआ कि प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता जाएगा और प्रत्येक बूथ पर युवाओं को साथ लेकर युवाओं के सम्मेलन होंगे हमारे मंडल के स्तर पर। उसके साथ बाइक रैली के साथ हम माहौल बनाने का काम करेंगे और प्रत्येक बूथ पर हमारे अमित शाह जी ने जो नारा दिया कि 370 हमारी सीट आने वाली है और 30 एनडीए के टोटल अब की बार 400 पार के साथ प्रत्येक व्यक्ति बूथ पर काम करेगा और हर एक बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का काम करेगा। 10% वोटिंग युवा मोर्चा कार्यकर्ता बढ़ाने का काम करेगा। वहीं युवा मोर्चा महानगर अध्यक्ष शैलू पंडित ने कहा कि बाइक रैली और कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए लोकसभा आगरा में माहौल बनाने का काम करेगा। युवा मोर्चा घर घर जाकर मोदी जी के विकास की योजनाओं और गरीब जन कल्याणकारी योजनाओं के सहारे मतदाताओं को ले जाने का कार्य करेगा। इस दौरान डीपी सिंह फौजी, लज्जा राम बघेल, आशीष शर्मा, श्याम बघेल, नरेंद्र सिंह, राहुल कुलश्रेष्ठ, आदित्य सिकरवार सहित सभी मंडलों के मंडल अध्यक्ष मौजूद रहे। मून न्यूज के लिए पवन शर्मा की रिपोर्ट।